हार शुभम क्रिएशन से मैंने तुम्हें दिलवाए थे, 24 कैरेट वाला हार। हाँ, अरे वो तो बहुत ही सुंदर है। क्या आंटी, आपने अपने गहनों के चक्कर में मेरे सारे स्टेप गड़बड़ कर दिए। आज शाम को एनिवर्सरी पार्टी में डांस कैसे करोगे आप? अरे हाँ हाँ, मैं तो सीधा स्टेज पे परफॉर्मेंस करती थी। तू बस बता क्या करना है, मैं कर लूंगी, मेरी चिंता मत कर। ओ कुसुम जी, अब आप ही जाओ ना, अब ऐसे मुंह मत बनाओ, आओ रिहर्सल करते हैं। नहीं नहीं, वैसे भी मुझे मेरा नेल पॉलिश हटाना है, देखो तो कितना गंदा लग रहा है, ये शेड मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मम्मी जी, मुझे ये तो बताइए मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं? वो वाला पहनना जो शादी के बाद बनवाया था मैंने, पूरे 5 लाख का। इसका शो ऑफ खत्म ही नहीं होता। वो तो है। हाँ ठीक है, मैं यही पहनूंगी। अरे एसीटोन गिर गया। ओहो, अरे वाह, ये तो बड़ा स्पेशल हार है, रंग भी बदलता है, इसीलिए तो इतना महंगा है। रियली? एक मिनट कुसुम जी, दिखाइए तो। अरे कुसुम जी, ये हार तो नकली लग रहा है, आई मीन आपको ठग लिया है किसी ने। बेबी डॉल और ये हार तो सोने के होने चाहिए थे, तो अभी बेबी डॉल तो पीतल हो गई। कुसुम, नहीं दीदी, आज नहीं। आपकी बहू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये उनकी बहू पल्लवी को ढूंढ क्यों रहे हैं? I don't know. कुसुम शांत रहो। नहीं, उसकी हर शर्त मानी हमने, आपकी हर बात मानी मैंने, आप उसके सामने खामोश रही, फिर भी मैंने आपका साथ दिया, मगर आज आज मैं खामोश नहीं रहूंगी, आज मैं खामोश नहीं रहूंगी, आज यहाँ यहाँ होगा तांडव। मुझे चुनौती दे रही है वो कुसुम अवस्थी को, आज मैं दिखाती हूँ उसे मेरे बिल में घुसने के बाद क्या हश्र होता है किसी का भी। आज मैंने बाल खोल दिए हैं दीदी, अब ये बाल उसी दिन बंधेंगे जिस दिन पल्लवी से मैं अपना सारा हिसाब चुकता करूंगी। आज तक मैं अपना आंगन यूं जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो लड़ाई लड़नी पड़े। माफ कीजिएगा आप लोग, प्लीज अभी यहां से चले जाइए। अपर्णा जी, ये सब क्या चल रहा है? हमें लगा था आपकी छोटी बहू बहुत स्मार्ट है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्मार्टनेस ही तो दिखाई है उसने, वरना आजकल के जमाने में ऐसी कौन सी बहू है जो अपने ही घर में चोरी करती है, वो भी शादी के 10 दिन के अंदर। अपर्णा जी, सच में कहूं तो बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे अपनी बहू को चुनने में, आफ्टर ऑल आपका एक ही तो बेटा है, अब क्या करेंगी आप? बाकी ये सब आपके घर का मामला है, हम क्या बोल सकते हैं। यू राइट, चलें। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए अपर्णा जी, कुसुम जी आप भी प्लीज टेक केयर, चलते हैं। अपना फोन दीजिए दीदी,
अपना फोन दीजिए। देखिए सर, जाहिर है जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, उन लोगों ने बहुत गलत किया है, लेकिन हम कई सारे प्लेटफॉर्म के जरिए पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की स्कीम में भरोसा मत कीजिए। अगर कंपनी और लोगों के बारे में आपको नहीं पता है तो वहां अपने पैसे क्यों लगाते हो? जानता हूं सर, हमसे गलती हो गई, लेकिन क्या करता, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और अब बस मुझे अपना आंगन छुड़वाना है। रिलैक्स, देखिए सर, हमें सिर्फ आपकी कंप्लेंट नहीं मिली है, आपके जैसे कई सारे लोग हैं जो इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिर्फ आपके ही नहीं उन सब लोगों के पैसे भी हम निकाल के देंगे। डोंट वरी। ठीक है सर, शुक्रिया। नेत्रा, इससे ज्यादा की हैसियत नहीं है मेरी, इससे ज्यादा मैं और तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, सब तो दे दिया तुम्हें मैंने। अरे बेबी, इतनी जल्दी हार मान गए? वैसे तुम्हारी ज्वेलरी बहुत काम आई, खूब पैसे मिले। नेत्रा बस करो अब, मेरे पास और पैसे नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को नकली ज्वेलरी बनवा के दी है, कुछ तो इंसानियत रखो। प्लीज नेत्रा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे, मेरी पिक्स डिलीट कर। तो मैं सच में इसके बाद और कुछ भी नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। बेबी, 1 लाख बचा है ना अभी, पहले वो तो कम्प्लीट कर दो, उसके बाद डिलीट कर दोगी मेरी पिक्चर्स। हेलो हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? पैसा, ये पैसा। नेत्रा अपना ये ड्रामा बंद करो, सब सुनाई दे रहा है मुझे। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत पैसे दे चुका हूँ, अब और नहीं दूंगा। बेबी, हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना स्ट्रेस मत लिया करो तुम। अच्छा बाबा, पक्का इसके बाद कुछ भी नहीं मांगूंगी, प्रॉमिस। अगर पैसों का इंतजाम हो गया हो तो शाम को 4 बजे शालीमार गेस्ट हाउस। नहीं नहीं नहीं, मैं 4 बजे नहीं आ सकता, मेरी एनिवर्सरी है, घर में पार्टी भी है। मैं एक काम करता हूँ, तुमको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऑनलाइन क्यों, मैं आ जाती हूँ ना, तुम्हारी बीवी को एनिवर्सरी भी विश कर दूंगी और पैसे भी ले लूंगी। नहीं नेत्रा, नहीं 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 नहीं, घर वालों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इतना बोल ही रहे हो तो शाम को 4 बजे शालीमार पहुंच जाना, डोंट बी लेट। मैं आता हूँ 4 बजे, लेकिन प्लीज घर वालों को कुछ नहीं पता लगना चाहिए। हेलो, सुनो, ये लड़का अपना पूरा हिसाब करने वाला है, लेकिन इसको दबोच के रखना पड़ेगा, वरना पता नहीं हमारी असलियत सामने आ जाएगी। सो फॉर अ चेंज, प्लान के अकॉर्डिंग तुम तैयार रहना शाम को 4 बजे गेस्ट हाउस पर, उसको वहीं पे दबोच लेंगे। ओके। ये रवि भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे, अब कैसे बात करूंगी मैं उनसे? हाँ पल्लवी। हाँ चाचा जी, वो संध्या भाभी के लिए मैं गिफ्ट पसंद कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि उनकी पसंद कैसी होगी। रवि भैया है क्या आपके साथ? सोचा उनसे पूछ लेती। रवि तो नहीं है यहाँ, उसको कुछ काम था तो लंच से पहले ही निकल गए वो कहीं। ओ ओके, थैंक यू चाचा जी। कहाँ गए होंगे रवि भैया, फोन भी नहीं उठा रहे। मम्मी जी का वीडियो कॉल। जी मम्मी जी। मम्मी जी नहीं, चाची जी, और वो भी तांडव वाली चाची जी। तुझे दुनिया के जिस भी कोने में छुपना है ना, छुप जा, मैं तुझे ढूंढ के निकालूंगी। चाची जी क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ बताइए तो सही। क्या हुआ? हाँ, मेरे बहू के जेवर तू लेकर आई ना बैंक से? तू लेकर आई ना, सब तेरी तरह नकली है, नकली। दिखाती हूँ, दिखाती हूँ, ये देखो, ये देख, ये हार नकली है, ये गहने, ये झुमके, ये जेवर, ये कंगन, सब नकली है, सब नकली। क्या? देख,
तेरी चोरी पकड़ी गई है। मैं एक बार उसके पास पुलिस वालों को लेके गया और रिपोर्ट लिखवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। डर के मारे ये सब दे दिया उसने मुझे। ये क्या किया पल्लवी तुमने? माना मेरी और तुम्हारी बंदी नहीं है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही कर दिया तुमने। कुछ तो सोचा होता। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस में लेकर जाऊंगी। तुझे ना जेल भिजवा दिया ना तो मेरा नाम भी कुसुम अवस्थी नहीं। तू रुक, आ रही हूं मैं। चाची जी मेरी बात। मम्मी जी मतलब रवि भैया ने मुझे नकली गहने दिए, उन्होंने झूठ बोला। नेत्रा का गहने वापस करना, पुलिस की वार्निंग, वो सब झूठ था। ये क्या हरकत कर रहे हो आप भैया? किसे बताऊं मैं इस बारे में? खुद भी प्रॉब्लम में फंसोगे और पूरी पूरी फैमिली को भी फंसाओगे। कुसुम चाची से कितना भी झूठ बोलूं वो तो सच पता लगा के ही रहेगी। और मतलब मेरे कंगन भी नकली है। मम्मी जी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। नेत्रा ने बुलाया था। ओके नेत्रा, अपना फोन और घड़ी सब यहीं रख दीजिए। क्यों? रूल है यहाँ का। प्लीज ये रवि भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? जरूर किसी नई मुसीबत में पड़ गए होंगे। आप अपना फोन यहां रख दीजिए। आखिरी बार पैसे दे रहा हूं मैं तुम्हें, मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दो और आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम और नेत्रा कहां है? मेरी गट फीलिंग कह रही है कि रवि भैया किसी और नई मुसीबत में पड़ गए। कुछ करना पड़ेगा उन पे, फैमिली पे, किसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे सकती मैं। स्पेशली आज के दिन जब भैया भाभी की एनिवर्सरी है। बिल्कुल भी नहीं, इस नेत्रा को रोकना पड़ेगा कैसे भी करके। पल्लवी को फोन करके बता देता हूँ कि रास्ते में। माँ, मामा, जैसे मैं निकला हूँ एयरपोर्ट से, पार्टी शुरू होगी क्या? कैसी पार्टी और कैसी सेलिब्रेशन आकाश? क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? तो दो दिन बाहर क्या गया आकाश, यहाँ तो माहौल ही बदल गया। माँ अब क्या बोल रही है, मेरे तो पल्लवी से रोज रोज बात होती है, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। माँ आप प्लीज रो मत और मुझे शांति से बताओ कि हुआ क्या है। मारने वाला थोड़ी दुखी होता है आकाश, जिसे चोट लगे ना दर्द उसे होता है। पल्लवी क्या बताएगी तुझे, उसने तो पूरे परिवार को तोड़ के रख दिया। माँ आप क्या बोल रही है, माँ दो दिन में ऐसा क्या हो गया? माँ प्लीज मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है। मम्मी जी देखो ना, सारी ज्वेलरी चली गई। भाभी के गहने टेबल पे पड़े थे और मेरे भी गहने टेबल पे ही रखे थे, तो वो मिक्स हो गए और शायद मैंने अपने गहनों के साथ उनके गहने भी बैंक लॉकर में रखवा दिए।
ये रहे जेवर। ये हार तो नकली लग रहा है। मैं ये सब I mean, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मैम, लेकिन आकाश कहने को तो आज रवि और संध्या की एनिवर्सरी है, घर में पार्टी है, लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे से उलझे पड़े हैं। तुझे याद है आकाश, हर साल कितनी धूमधाम से मनाते थे हम उनकी एनिवर्सरी, एक ही बहू थी, लेकिन अब तो घर का माहौल ही बदल गया है आकाश। खुशियां तो खैर क्या ही मनाएंगे, पूरे घर में मातम फैला हुआ है। मुझसे तो नहीं देखा जा रहा आकाश, ये सब मेरे परिवार को तोड़ के रख दिया है इस पल्लवी ने। माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, मैं आकर सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? और आप प्लीज रोना मत माँ। जल्दी आ जा बेटा। जी जी माँ, आ रहा हूँ मैं। जिस खाई में इस बार मैंने तुम्हें धक्का दिया है ना पल्लवी, उससे तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगी। तुम भी खत्म और ये शादी भी खत्म। यही आखिरी ऑप्शन है, यही एक तरीका है, सच को ऐसे ही बाहर आना पड़ेगा ताकि सब लोग जान सके। ये जो है नेत्रा, इसकी फोटो वोटो है आपके पास? जी दिखाइए। ये लीजिए। और ये जो विक्टिम है रवि, इसके बारे में कुछ बताइए। इंस्पेक्टर साहब, वो तो मेरे बड़े भैया जैसे, पिछले एक घंटे से मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे, और मुझे ना 100% श्योर है कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम में जरूर है। एक क्लू है मेरे पास, मैंने आज उस लड़की को बात करते हुए सुना था कि वो 4 बजे कोई शालीमार गेस्ट हाउस जाने वाली है, और मुझे लग रहा है कि वो अभी वहीं होगी। शालीमार गेस्ट हाउस? जी सर। वो जगह तो वैसे ही बहुत बदनाम है, and you are right. आपके भाई साहब ना बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकते हैं। फीमेल स्टाफ अरेंज करता हूँ मैं, हमें तुरंत निकलना होगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ आकाश। पल्लवी कहाँ हो, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों उठा रही हो? होटल भी फोन किया, वहाँ पे भी नहीं हो तुम। पल्लवी चल कह रहे हैं ये सब, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं एक्चुअली आकाश मैं वो पल्लवी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ बताओगी? चल कह रहा है माँ का अभी जस्ट फोन आया, घर में इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है, संध्या भाभी के गहनों का क्या चक्कर है, असली नकली, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग यार। पल्लवी अभी जस्ट लैंड हुआ यार, इतना बड़ा तमाशा हो रखा है घर में, मेरे तो सर फट रहा है यार। पल्लवी कुछ बोलोगी? मैं नहीं बता सकती तुम्हें अभी कुछ भी आकाश, पहले मुझे रवि भैया को बचाना है, उनके लिए सबूत इकट्ठे करने हैं। आकाश मैं अभी सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, कर सकते हो? पल्लवी आई रियली ट्रस्ट यू, पर मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन कर दूंगी, प्लीज बस अभी मैं। चलिए मैम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ आकाश। चलिए। तुम क्या कर रही हो यार? कुसुम जी आप यहाँ अचानक? जी अचानक ही आना पड़ा, क्योंकि अचानक ही आपका असली चेहरा दिखाई दिया। पहले तो सिर्फ शक था, मगर अब यकीन हो गया है कि कितने बड़े नौटंकीबाज हैं आप और आपकी बेटी। सारा राज खुल गया है शर्मा जी। राज? कैसा राज? पुलिस? कुसुम जी क्या चल रहा है यहाँ पर? यही घर है उस चोरनी का, अंदर चलिए, सारा माल बाप बेटी ने यही कहीं छुपाया होगा। अरे हटिए। अरे कुसुम जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे क्या अरे कुसुम जी, अरे कुसुम जी क्या कर रही हैं आप? कुसुम जी हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ कुसुम जी रुके, दे दे सुन, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये? वो तो आप बताएंगे ना कि चल क्या रहा है। भाई वाह,
दूसरे के घर में सेन लगाकर खुद चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। पता ही कलयुग मचा के रखा है आपने और आपकी बेटी ने, बता रही हूँ मैं। डालोबाजी करनी है आपको तो प्लीज घर के बाहर खाइए, लेकिन यहाँ मेरे घर में एक चीज भी नहीं हाथ लगाएंगे आप। अच्छा देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, हाँ आपकी बेटी ने मेरे घर के सारे तेवरों पे अपना हाथ साफ कर दिया और मैं आपके घर की चीजों को हाथ भी ना लगाऊं। चेहरा तो देखो कैसे मासूमियत झलका रहे हैं, ऐसा दिखा रहे जैसे सुबह सुबह दूध से नहा के निकले। इन भाई साहब को कुछ पता ही नहीं है क्या हो गया है। मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती, क्या बकवास किए जा रही है। आपका लिहाज कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे सर पे बैठ जाओ। सर इनका कहना है कि आपकी, मैंने सुना इनकी आदत है बकवास करने की, राय का पहाड़ बनाने की। क्या इन्होंने आपको बताया कि मेरी बेटी इनके घर की बहू है? एक मिनट, मैं राय का पहाड़ बना रही हूँ मैं? अरे आपकी बेटी ने हम सबका जीना हराम करके रख दिया है और ये क्या भोले भगत बन के बात कर रहे हैं। इनका कहा थोड़ी ना माना जाएगा, ये तो पार्टनर है उस चोरनी के। मैं बता रही हूँ आपको, आप तलाशी लेना शुरू कर दीजिए। आप इनका कमरा देखिए, मैं पल्लवी का देखती हूँ। चलिए रुकिए, देखिए मैं आपकी वर्दी की इज्जत करता हूँ इसलिए मैं आपसे शरीफ तरीके से बोल रहा हूँ। मेरे घर की तलाशी कोई नहीं लेगा, ये मेरा आंगन है, ये बेहूदगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, हम नहीं जाते आपके कमरे में, किसी दूसरे का भी माल मिल सकता है ना। हाँ मगर उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे गहने वापस कर दीजिए बस। एक मिनट, ये बेच तो नहीं दिया आपने? अगर बेचे है ना तो बताती हूँ आपको, आपकी हलक में हॉट डाल के पाई पाई वसूल करूंगी। फिर करते रहना आंगन आंगन। बस बस बहुत हो गया, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं रिश्तेदारी नहीं निभाऊंगा। मेरी बेटी चोर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। कुसुम अवस्थी। जयदेव शर्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।